हाय दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ LG G4 का प्रीव्यू और मेरे कुछ ख्याल उसके बारे में। LG ने ये फ़ोन अनाउंस किया तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते पहले। इस फ्लैगशिप मोबाइल के साथ LG ने मेन फोकस अपना रखा है फ़ोन के डिज़ाइन पे, फ़ोन के डिस्प्ले पे और फ़ोन के कैमरा पे। सबसे पहले देखते हैं इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस। इसका डिस्प्ले है 5.5 इंच QHD क्वांटम IPS। इसमें है एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप OS, जिसके ऊपर LG का अपना खुद का UX है। इसका प्रोसेसर है 64-bit क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 808। इसमें इंक्लूडेड है 3 GB का रैम और इसकी इंटरनल मेमोरी है 32 GB। साथ में एक microSD कार्ड स्लॉट अवेलेबल है जिससे आप मेमोरी एक्सपांड कर सकते हैं। इसका जो मेन कैमरा है वो है 16 MP का विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड फुल मैनुअल कंट्रोल्स। इसके साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K वीडियोस एट 30 FPS। इसका जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है 8 MP का, जिसके साथ आप अप टू 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसकी बैटरी है 3000 mAh की, जो रिमूवेबल है। अब देखते हैं डिवाइस के कुछ फीचर्स जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि डिवाइस का स्क्रीन है, जो 5.5 इंच का स्क्रीन है वो आपको देता है अप टू 538 pixels per inch, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं उसमें सबसे बेहतरीन माना जा रहा है। और LG इस स्क्रीन के साथ ये प्रूफ करना चाहता है कि उनके पास अभी डिस्प्ले में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। और कई लोगों ने जिन्होंने अभी तक इस डिवाइस को यूज़ किया है या फिर उन्होंने रिव्यूज़ वगैरह दिया है, वो सब लोग भी कह रहे हैं कि ये जो डिस्प्ले है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट दे हैव सीन। अगली बात आती है इस फ़ोन का, मुझे जो सबसे अच्छा फीचर लग रहा है और जो मैं फ़ोन हाथ में आने के बाद भी उसके बारे में एक्स्ट्रा कमेंट कर पाऊंगा, बट अभी तक जितना मैंने देखा है उसके हिसाब से इस फ़ोन का जो कैमरा है वो आज तक जितने कैमराज हैं उसमें सबसे बेहतरीन है। LG भी ये क्लेम कर रहा है कि आप इस फ़ोन के कैमरे को यूज़ करके आपका जो नॉर्मल पॉइंट एंड शूट या फिर बेसिक DSLR कैमरा जो होता है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये फ़ोन में कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो काफ़ी हाई एंड फोन्स को टक्कर दे सकता है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, LG का इस फ़ोन पे फोकस था डिज़ाइन, डिस्प्ले और कैमरा में, और इन तीनों चीज़ों में LG ने काफ़ी हद तक एक्सपेक्टेशंस मीट किए हैं उनके यूज़र्स के। और ये फ़ोन मार्केट में बहुत ही जल्द अवेलेबल होने वाला है, लेकिन इंडिया में उसको शायद आते आते वक्त लग जाएगा। इंडिया की अवेलेबिलिटी डेट मुझे अभी तक पता नहीं चली है और ना ही उसका प्राइस पॉइंट पता चला है, बट जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो ये मेरा प्रीव्यू था LG G4 का। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।